यहां अनन्य का अर्थ एक इष्ट की भक्ति से भी है। मैं प्रायः निवेदन करता हूं, जीवन में एक संत, जीवन में एक पंथ, जीवन में एक ग्रंथ, भक्त का एक इष्ट होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति के लिए एक समर्पण है, ऐसे पतिव्रता स्त्री का एक पति है, वैसे ही हमारा एक मालिक होना चाहिए। अब इसके साथ साथ स्त्री पूरे परिवार का निर्वाह करती है, लेकिन स्त्री का समर्पण पति के लिए है, वैसे ही हमारा पति यानी मालिक एक होना चाहिए। भगवान का भले ही वो कोई भी रूप हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो हनुमान हो, एक रूप हो भगवान का। बाकी बंधन सभी को करिए, लेकिन समर्पण किसी एक के लिए होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जरा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।